शहर के वार्ड नंबर 42 में स्थित राजीव गांधी कॉलोनी कंचनदेव पिंचा की गली में आज शाम को एक घर में घुसकर कुल 6 लोगों ने एक परिवार पर हमला किया है। इस हमले में राजेश खेतान, वीणा खेतान, मनोज खेतान, संदीप खेतान घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार की राधिका खेतान ने बताया कि सभी आरोपियों ने बेसबॉल जैसे हथियारों से लाकर मारपीट की। उस वक्त लाइट भी गई हुई थी, जिसके कारण अंधेरे में कुछ लोगों के चेहरे नहीं दिख पाए। मुख्य आरोप जो है ललित शोभा सरिया पर लगाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। यदि आप लोग ज़्यादा ही उत्सुक हैं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ, उनके सामने बात करना। तो बोले नहीं, आपको जिसको बुलाना है बुला लीजिए। उसके बाद इन लोगों ने अपने हथियार निकाले। गली में लाइट भी गई हुई थी, हमेशा घर में लाइट रहती है, गली में लाइट रहती है, लेकिन उसी दिन आज के दिन ये जिसमें गली में लाइट गई हुई थी। उसके बाद उन लोगों ने ना मेरे जेठ को सरिया, कांच की बोतलें और ना क्या बोलते हैं हॉकी जैसी चीज़ होती है उससे लेके उनको मारना चढ़ा। उसको देख के मेरे जो हस्बैंड ने मनोज खेतान, उन्होंने बचाकर कोशिश करी, उनके भी हाथ पे काफ़ी ज़्यादा चोट मारी। इस तरीके से मारा जा रहा था कि एक चोट और पड़ती तो इंसान हाथों हाथ वहीं ख़त्म होता। फिर भी मेरा जेठ हाथों हाथ वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद संदीप खेतान नाम के जो मेरा देवर है वो भी आया, उनके भी इस तरह चोट मारी है कि जगह जगह स्क्रैचेस हो गया, हाथ की हड्डी टूट गई है, जेठानी के कपड़े फाड़ दिए गए, चैन छीन ली गई है। उसके बाद उनके हॉकी से भी पीछे चोट बचाई गई है। संख्या में 6 आदमी थे, मेन तो ललित शोभा सरिया था जो 5-6 आदमी को लेकर आया था। वही जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा था, देखो जिसको बुलाना है बुला ले, मैं अभी देखता हूँ तेरे मैम कितना दम है। पुलिस में मैंने कंप्लेन करी है, आते के साथ ही मैंने जस्ट 2 मिनट बाद जब उनकी बातचीत देखी कि मेरे हस्बैंड मेरे जेठ के बीच में बात हो रही है, वो आपस में बात कर रहे, तो मैं सोची पुलिस को बुलाया जाए। पुलिस को मैंने फ़ोन किया है, उसके बाद जयपुर फ़ोन किया है, जयपुर से उन लोगों ने डायरेक्ट लोकेशन ट्रैक करके उन लोगों ने सुजानगढ़ वालों को फ़ोन किया। मेरे बाइक आया था बाद में, उन्होंने मेरे से पूछा भी आप कौन बोल रहे, उनके राधिका खेतान बोल रहे, कंचन पिंचा गली से बोल रहे बालाजी।